सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नया दिन नई शुरुआत। तो कैसे हैं आप? अभी हमें पेंगोंग लेक में, यहाँ हमने करा था स्टे, ये वाला होटल जो आप देख रहे हैं सामने हमारे पेंगोंग लेक, जो कि अभी हम जाने वाले हैं फ़ोटो वीडियो शूट करने के लिए। अभी अभी हमने करा ब्रेकफास्ट, तो चलो मिलते हैं आपसे पेंगोंग लेक पे। ओके, क्या क्या ऑर्डर? ऑर्डर पूरी। हू इज दिस? ओके, हमने पेंगोंग लेक अपना होम स्टे ये, और ये अपनी मटरो, बाहर से व्यू। भाई लोगों, यहाँ पे हम फंस चुके हैं पेंगोंग लेक में, जहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है वहाँ पे हमने घुसा दी, हमने नहीं मतलब। और यहाँ पे जो पेंगोंग लेक के गार्ड हैं, उन्होंने फ़ोटो वोटो खींच लिए, बोल रहे हैं चलो थाने FIR होगी। तो भाई चारों बाइकों की FIR कर रहे हैं, और देखो मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ यार। बाइक मेरी फंस चुकी है यहाँ पे, यहाँ जो ये खुदाई दिख रही है इससे आगे नहीं जाना चाहिए हमें। और भाई हम पीछे पीछे कुदा गए मोहित भाई के। वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ है। ये आ रहे हैं गुरु भाई अपने बाइक निकलवाने के लिए, क्योंकि फंस चुकी है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, सही नहीं बन रही यार कवर से, कवर बारिश से ही बचाता है क्या। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेंगोंग लेक है, जो कि कलर बदलती रहती है, नीली हो रखी है, अभी ग्रीन भी दिखती है। और आप उधर भी देख सकते हैं, हर तरफ अलग ही नज़ारा है। जहाँ घुमाओगे वहीं आपको ऐसा मन करेगा कि फ़ोटो ले लें, आँख भी नहीं खोल पा रहा भाई मैं तो, इतना वो हो रहा है, आँखों पर रोशनी पड़ रही है। और ऊपर के क्लाउड देखो, क्लाउड तो एकदम ऐसा लगता है नकली से ज़बरदस्त। सो भाई लोगों, अब हम निकल रहे हैं पेंगोंग लेक से। पेंगोंग लेक ये रही सामने, वहाँ पे 3D8 पॉइंट है, स्कूटर जो भी कैटरीना चलाती है, जो कोक करीना कपूर, ये अपनी खड़ी हिमालयन। और निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। सोनू भाई निकलवा दो। अरे सोनू भाई, ये खिंचवानी है पीछे। भाई मेरा फ़ोटो बाद में ले लेना, पहले ही वापस लेनी है, निकलवानी है, फ़ोटो नहीं लेना। तो करो ना, अरे यार बंदे इतने फैन है, बताओ यार। बाइक ऐसे फंस जाते हैं, फिर इन्हें निकालने के लिए बंदे ढूंढो। ओ हेलो, पानी की बोतल लगाओ इसमें, इसमें लगाओ। अभी हमें 3-4 दिन लगेंगे दिल्ली तक पहुँचते। भाई हमने ना बाइक वहाँ लगाई थी, वहाँ पे वहाँ जहाँ अलाउड नहीं है। क्या बोला तूने? ये जो ऑक्सीजन 99, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है यहाँ। पेंगोंग लेक को टाटा करते हुए कितना अच्छा व्यू आ रहा भाई साहब। इधर 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 राइट। अरे राइट यार, राइट। अब ये रोड जा रहा है उधर से, जहाँ से रास्ता कट जाता है एक डिस्ट्रिक्ट को होते हुए कारू, हम जाएंगे यार कारू, कारू से चांगला, मैं चांगला करते हुए कारू, जो भी रास्ते में पड़ेगा देख लेना। लोगों व्यू देखो कितना जबरदस्त। नीला, स्काई ब्लू, ग्रीन, कितने कलर दिख रहे हैं। वीडियो में तो इतने नहीं दिख रहे होंगे, पर मैं कह रहा हूँ आंखों से इतने साफ कलर। भाई साहब कहाँ कहाँ तक जा रही है यार पेंगोंग लेक के ड्रोन शॉट। गजब है यार ड्रोन शॉट नज़ारे, इन्हें कहते हैं जो बंदे को रुकने पे मजबूर करते हैं, बाइक रोकने पे, गाड़ी रोकने पे। तो दोस्तों पेंगोंग लेक यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी, यहाँ जो ये पॉइंट है,
और आगे चाइना तक जाती है, चाइना में कब्जा कर रखा है इससे 60-50%। फॉर्च्यूनर लेजेंडर, क्या बात क्या बात। कल शायद में इसी पे आया था, हाँ यार नोट 100% से। आज बड़ी दिक्कत हो रही है यार मुझे चलाने में भाई, सब कुछ बदला बदला लग रहा। बोल जाएगी अभी, बैटरी मांग रही है तब से ही, इनकी बैटरी खराब है। सोनू भाई की मेरी, ये देखो ये आ रही भागी भागी। हेलो ओके क्या हो गया? मेरे को लगा यार बंदे को हेल्प चाहिए। इसे तो वापस क्यों गया? इसका कोई साथ का पीछे रह गया। अच्छा भाई यही तो खाएंगे यार, आगे क्या है, भूख लग रही है। रेंज रेस्टोरेंट। तो भाई लोगों यहाँ से चांगला रह चुका है मुश्किल से मुश्किल 40-50 किलोमीटर, और अब हम जा रहे हैं आगे। पेंगोंग से निकल के हम रुके थे दुर्बुक में, और भाई चांगला के लिए बाइक इतना लोड ले रही है यार क्या बताऊँ, बाइक बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रही यार। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है बाइक में, बाइक में दिक्कत नहीं आ रही, वो मेरे उसमें मेरी बाइक पे लोड हो रखा है ना दो दो। आकाश भाई का भी लगे मेरी बाइक पे। अब शॉर्टकट शॉर्टकट, ये तो इन्होंने शॉर्टकट ले लिया भाई, बाइक स्लिप हो रही है रोड पे और ये शिफ्ट फंस गई भैया की, शिफ्ट फंस गई। ये बोले ना कर दे स्टार्ट शिफ्ट भाई, खतर कुछ ना कुछ होने वाला है भाई लोगों। यहाँ हो रहा ये देखो, ये एक बड़े से पत्थर को साइड कर रहे हैं। चलो फाइनली मिल गई जगह हमें, बाकी अभी तक भाई की अभी तक बैटरी दिक्कत नहीं दी है, और भगवान करे दे भी ना दिक्कत। चोर साले चिंपांजी से ऊपर जा रहे भाई चांगला पास पे, चांगला पे होने वाली हमारी हालत खराब, मतलब ऐसे वाली नहीं, बाइकों को लेके। बाइक भी हमारी सही है यार, बहुत साथ दे रही है। चांगला होगा ही नहीं, मैं तो कहीं फिर नीचे उतरेंगे खारू। ओ भाई ये तो सिंगेला पास की याद आ गई मुझे, ताजी बर्फ तो है नहीं ये, जमी हुई है पता नहीं कब की। अरे ये जा रहे दो तीन गिरे, इसलिए तो रुका हूँ। अरे यार भाई ऐसी राइडिंग हो रही थी, भाई ने एकदम ब्रेक मार दी और मैं भी गिर गया। चलो चलो खड़ी करो, चलो रुको स्टैंड लगाता हूँ, बस छोड़ दो। भाई निशान दे गई,
स्टार्ट ही नहीं हो रही। चलो कर दो, चलो। हाँ एक ही दम, जब ही तो मैं गिर गया। हाँ नहीं नहीं नीचे ही जाता हुआ तो रुक गया। तो भाई लोग अभी हो रही थी लैंड स्लाइडिंग एकदम, और मैं गिर गया। ऊपर से पत्थर आ रहे थे इन पर, आकाश भाई ने एकदम ब्रेक मार दी और उनकी बाइक में मैं टकराया और गिरा, नीचे जाते जाते बच गया। तो भाई लोगों जान का रिस्क लेके यार मुझे है ना थोड़ा गैप बना के चलना चाहिए आकाश भाई से। बाल बचूं खाई में जाने से, नीचे जाता ड्रोन शॉट से भी नहीं मिलता अगर मैं जाता तो नीचे। हे महादेव कृपा करो, लैंड स्लाइड मत करो बस। यार ये लैंड स्लाइड है ना बहुत गंदी चीज़ होती है यार, बंदे को खा जाती है पूरा, एकदम डर पैदा कर देती है बंदे के अंदर। तो मेरी बाइक में वो वाला निशान आ गया था वार्निंग का, आई वाला जो आई टाइप में होता है, वो तो बस किस्मत अच्छी है कि मैं नीचे नहीं गिरा खाई में, नहीं तो भाई थोड़ा थोड़ा ही बचाऊँ। बस कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं इसलिए बच रहे हैं, बाकी पैरों पैर तो मेरे गीले हो चुके हैं यार। साला पक्का बुक की कंपनी सही नहीं है, लुकिंग सही है कलर सही है पर वैसे मज़ा नहीं आया यार। वाटरप्रूफ बोलते हैं स्नो प्रूफ बोलते हैं, घंटा कुछ भी नहीं है साला। जय श्री राम जय श्री राम। भाई पैरों में ठंडा ठंडा पानी चला गया। हम जैसों के लिए रोड बनाने के लिए भाई देखो। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, निकला पहले ही से करन दो। धीरे 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 धीरे, तो यानी कि 6:30-7 बज जाएंगे हमें कारू पहुँचते पहुँचते। पर मेरे देख लो हाथ लाल हो रखा पूरा, कल मैं ग्लव्स पहन लूँ, बिना ग्लव्स के तो भाई बात नहीं बनती बिल्कुल भी। बर्फ नहीं होती ना तो नीचे ग्रीन ग्रीन रहता सारा। मुझे लग रहा हम चांगला पास आ गए हैं क्या। ओ भाई कितनी गंदी क्रॉसिंग है यार, पानी। जय श्री राम। ओ भाई फिर से चाय का मन कर रहा मेरा तो। चाय पीने का ही मन कर रहा है, सांस ही फूल रही है यार। चांगला पास है शायद 100%। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चांगला पास, जिसकी हाइट है 17,688 फीट। यार पानी घुस गया जूतों में बहुत गंदा। चांगला पास कैफेटेरिया, वेलकम टू चांगला कैफेटेरिया। दिल्ली 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 प्रॉपर दिल्ली। हाँ प्रॉपर दिल्ली। लॉगिंग करते हो? हाँ जी। क्या नाम है चैनल? ड्रीम द वर्ल्ड। क्या ड्रीम द वर्ल्ड? अच्छा करेंगे जी। होम स्टे कैसे ढूंढते हैं? मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो टेंट लगाते हैं अपना। नहीं होमस्टे ढूंढने के लिए कोई ऐसा होता है जैसे कि उस जगह पे उसको सब पता हो, ऐसा कहे ढूंढना पड़ता है? ढूंढना ही पड़ता है, सही में घूम। हाँ हर जगह ढूंढा। होटल से होमस्टे में मजा आता है। हाँ होटल में नहीं मजा, होमस्टे क्या है एक तो बार बार दूर होता है और घर जैसा लगता है। हाँ चलो चांगला बाबा स्थल एक ऐसा करके थंबनेल टाइप। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं वीडियो का एंड थोड़ा सा। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं चांगला पास, जिसका हाई एल्टीट्यूड है 17,688 फीट। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। ओके आ जाओ। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।